हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। दिस इज साहिल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ाना लेके आने वाला हूँ। देखो यार, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप टेलीग्राम पे देखते होंगे कि आप जब टेलीग्राम पे मैसेज सेंड करते हो तो आप उसको थोड़े दिन बाद या फिर कभी भी आप अपने साइड से भी और उनके साइड से भी दोनों तरीके से आप मैसेज को डिलीट कर सकते हो। लेकिन यार, ये जो फीचर है ये व्हाट्सएप में अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप में डिलीट फॉर एवरीवन का जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। यानी कि टाइम शायद आपका 1 घंटा या 1.5 घंटा जो व्हाट्सएप ने फिक्स कर रखा है वो है। उसके अलावा अगर आप करते हो तो सिर्फ आपको डिलीट फॉर मी का ही ऑप्शन दिखने वाला है। डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन वहाँ से हट जाता है, यानी कि आप उसको बाद में नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे आप जब चाहो आप अपने पहले के मैसेज जो आपने सेंड किए हुए हैं वो आप डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हो। यानी कि वो मैसेजेस आपके पास से भी और सामने वाले के पास से भी आसानी से डिलीट हो सकते हैं, चाहे उस मैसेज को भेजे हुए आपको कितने भी दिन हो गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे करते हैं ये सब। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक भी अगर आपने स्टेप फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप पे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए और आपके जो मैसेजेस पहले से सेंड हैं जो आपने किसी और को सेंड कर रखे हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी स्टेप मत छोड़िएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड किया था कल, वो मैंने खुद के अकाउंट पे किया था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मैसेज सेंड कर रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आज तारीख है 23 सितंबर और कल मैंने यस्टरडे आपके यहाँ पे दिख रहा है 23 सितंबर आज है और मैंने 22 तारीख को रात को 10:27 पे ये मैसेज किया था। अगर मैं इसको डिलीट करने का अब ट्राई करता हूँ तो ये डिलीट फॉर मी का ही ऑप्शन आता है, डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं आता है। तो देखते हैं कि आखिर इसको आप कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले करना ये है, इसके लिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर करना है वो है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो नेट है वो उसको ऑफ करना पड़ेगा। मैंने अपना जो नेट है उसको ऑफ कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपके फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले जो करना है वो करना है कि आपके फ़ोन में हो एक ऑप्शन होगा ऐप मैनेजमेंट का। ऐप मैनेजमेंट में हो सकता है आपके फ़ोन में किसी कोई और ऑप्शन हो तो आप उसमें जा सकते हो। उसमें जाने के बाद आपको इसमें ऐप लिस्ट दिखेगी। ऐप लिस्ट में जाने के बाद इसमें आपको व्हाट्सएप का सर्च करना है। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नीचे दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप क्लोन का यूज़ किया था क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो मेरा पर्सनल है तो मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था। उसके बाद मैंने नेट ऑफ कर चुका हूँ। इसके बाद आपको इस व्हाट्सएप को ऑन करना है, जो भी आप करना चाहते हो, जिस भी आप अकाउंट से करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको फोर्स और स्टॉप का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको आपको प्रेस करना है। आप जब इसको फोर्स स्टॉप कर दोगे उसके बाद आपको वापस से एक बार फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आपके फ़ोन के अंदर डेट और टाइम का ऑप्शन दिख जाएगा। मेरे इसके अंदर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर है, आपको आपके फ़ोन में इजीली कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको डेट एंड टाइम पे जाना है। डेट एंड टाइम पे जाने के बाद आपको जो ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन होता है उसको बंद करना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। इसके बाद आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर चुके हैं। आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आपने जो मैसेज सेंड किया था उस में जो मैसेज सेंड किया था आप उसकी डेट और टाइम को एक कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि वो इसी टाइम पे अब यूज़ होने वाला है। यहाँ पे सेंड टाइम पे क्या करते हैं, जैसे वो कल रात का था तो मैं यहाँ पे 22 सितंबर करता हूँ और वो रात का था तो मैं यहाँ पे 10:35 था तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी कोई भी टाइम यहाँ से आग लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है 10:33 का। 10:33 का लेने के बाद अब मेरे को क्या करना है, अब मैं यहाँ पे बैक जाऊंगा। बैक जाने के बाद मैं अपने जो व्हाट्सएप था इस व्हाट्सएप को दोबारा से ऑन करूंगा। अब इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर अब मैं इसको मैं प्रेस करूँगा और डिलीट का ऑप्शन करूँगा तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आराम से इस डिलीट फॉर एवरीवन को कर सकता हूँ। ये आपसे कुछ पूछेगा, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है और आप इजीली से आराम से ये देखिए मैं किस तरीके से सारे मैसेज डिलीट कर रहा हूँ।
देखा आपने किस तरीके से इजीली मैंने अपने जो सारे मैसेजेस हैं वो आप मैंने वो डिलीट कर दिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो हो सकता है कि आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो डिलीट हो जाएं और रिकवर होने में उसमें प्रॉब्लम हो। आगे भी आपके लिए आने वाली हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, तो अगर आपको वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।